दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी परीक्षा में करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन दिक्कत ये आती है इसको याद कैसे किया जाए। तो इसी आप लोगों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज चला रहे हैं करंट अफेयर की, जो कि पिछले लगभग छः मंथ का कवर किया जाएगा टॉपिक बीच बीच के। ये होंगे लगभग अगस्त से और इधर अपना दिसंबर चला नवंबर तक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर किए जाएंगे। मेन बात क्या है इसमें, फोटो के माध्यम से, फोटो साथ में फोटो भी लगी रहेगी, तो आप लोगों को ज़्यादा ध्यान याद रखने में आसानी हो। करंट अफेयर तभी याद रहती है जब साल भर सामने से गुजरती रहे, इसीलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। आप लोग ये सीरीज आपको नॉलेज पॉइंट विद अखिल चैनल है, आप लोग देख ही रहे होंगे, इसी पे आती रहेगी। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जब भी वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आपकी पहला जो है टॉपिक वो है आसियान भारत बाजरा महोत्सव। तो आसियान भारत बाजरा महोत्सव हाल ही नई दिल्ली में हुआ है। महोत्सव में भारत, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम के प्रतिनिधि शामिल हुए। कहने का मतलब है कि इसमें साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री शामिल हुई हैं। सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया है। ओके, देखते हैं अगला। अगला जो है इवेंट आपका है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जो कि ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ है। 7 से 24 दिसंबर तक हुआ है। अप्रैल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ऑस्ट्रेलिया में हुआ, 2024 में अमेरिका में होगा। और इसकी शुरुआत जो है हरियाणा सरकार ने की थी 2016 में। ओके, अगला देखते हैं। अगला है आपका मुल्ला पेरियार बांध, जो कि केरल में है। यह मुल्लयार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। यह बांध 155 फीट ऊंचा है, 1200 फीट लंबा है। निर्माण वही 1857 और 1895 के बीच में हुआ है। बांध निर्माण का मुख्य अधिकारी ब्रिटिश पेनी क्विक था। महत्वपूर्ण बांध जानते हो क्या इसकी, कि यह बांध जो है वो केरल में स्थित है, लेकिन इसका संचालन तमिलनाडु सरकार द्वारा किया जाता है। ओके, अगला जो इवेंट है आपका वो है 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसको जारी किया है FSSAI ने, SSSAI ने, और इसमें कैटेगरी वाइज दिया गया, बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। तो बड़े राज्यों में केरल पहला है, पंजाब, फिर तमिलनाडु। छोटे राज्यों में गोवा, मणिपुर, सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़। और ये जैसा बताया FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिछले 20 बड़े भारतीय राज्यों में से 19 ने वर्ष 2019 की तुलना में अपने 2022-23 के SFSAI स्कोर में गिरावट का अनुभव किया, माने उनके खाद्य सुरक्षा में जो कि गिरावट आई है। ओके, अगला देखते हैं। अगला जो आपका इवेंट है वो है समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का युद्धाभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान सफल परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण एयरफोर्स स्टेशन श्रीलंका में किया गया है। अगला एक इवेंट है, बस न्यूज है, आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रदेश का पहला सैन्य स्कूल मथुरा में स्थापित किया गया है, उत्तर प्रदेश का, प्रदेश से यहाँ मतलब है उत्तर प्रदेश का महिला सैन्य स्कूल। ओके, अगली जो न्यूज है आपकी वो खेल से है। ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार इस वर्ष के लिए नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, याद रखना सर्बिया के हैं, और एरिना सबालेंका को चुना गया। एरिना सबालेंका पूछ लेता है देश, तो यह है बेलारूस की। ओके, अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि भारत वन और लकड़ी प्रमाणन योजना, तो इसको शुरू किया गया। भारत वन और लकड़ी प्रमाणीकरण योजना शुरू की है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है वनों और कृषि वनिकी के स्वतंत्र प्रबंधन को प्रोत्साहन प्रदान करना, के लिए प्रमाण प्रदान किया जाएगा। अगली देखते हैं। अगली जो आपकी है इवेंट है विश्व रेमिटेंस रिपोर्ट 2023। तो इसमें क्या है, सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों की सूची इसमें जारी की गई है। $125 अरब रेमिटेंस प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर रहा है भारत, ठीक है। और यहाँ देख लेते हैं अन्य देश में, सब फर्स्ट है इंडिया, अपना भारत, फिर मेक्सिको, फिर चीन, फिर फिलीपींस, फिर मिस्र। एक बार फिर से, भारत, मेक्सिको, चीन, फिलीपींस, मिस्र, ठीक। अगला देते हैं, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में, यहाँ जहाँ मृतदाता अपनी त्वचा दान कर सकते हैं, जिसका उपयोग जलने के उपचार में किया जाता है, माने कोई जल गया तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी करने में। मृतदाता 6 घंटे के भीतर अपनी त्वचा दान कर सकते हैं, मरने के बाद 6 घंटे के भीतर आप त्वचा दान कर सकते हैं। देश में कुल 16 स्किन बैंक हैं जहां मृत व्यक्तियों की त्वचा दान की जा सकती है। ओके, ये 16 स्किन बैंक 7 महाराष्ट्र में हैं, 4 चेन्नई में हैं, 3 कर्नाटक, 1 मध्य प्रदेश, 1 उड़ीसा, यानी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। ओके, अगली जो न्यूज आ रही है, श्रीलंका का गोल्डन आउल सम्मान, ये श्रीलंका सरकार ने दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंह ने भारत के सशस्त्र बल के 3 अधिकारियों को, विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को दिया है। ओके, तो ये कुछ थी आपके इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट, इनको आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, और आपको अच्छा लगा तो कमेंट के माध्यम से बताएं और सब्सक्राइब करें नॉलेज पॉइंट विद अखिल को, और ऐसे ही इमेज के माध्यम से करंट अफेयर का रिवीजन करते रहें। ओके, धन्यवाद।